गांधी जी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है। जब हम CAE को NRC के साथ में कंबाइन करते तो और ज्यादा डेडली हो जाता। वायलेंस वहीं क्यों होता है जहाँ दिल्ली पुलिस होती है, वहीं क्यों होता है वायलेंस? भाइयों और बहनों, मुझे 50 दिन देना, अगर डीमोनेटाइजेशन के टाइम अगर वो ना हो तो मैं किसी भी चौराहे पे, क्या वो चौराहे पे आए? इसने बाबरी मस्जिद ले ली, मुसलमान नहीं बोला, कश्मीर वालों पे मुसलमान नहीं बोला। हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें जैन कथा निवेशना चाहिए। अगर मोदी साहब ये रूल लागू करना चाहते हैं तो पहले उनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ये रूल लागू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हम किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की जान देंगे, अपनी जान देंगे, लेकिन ये रूल किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग तो इतनी शांति से कर रहे थे पहले दिन से ही, लेकिन जो भी पुलिस ने स्टूडेंट पे किया, एक तो उसकी वजह से वायलेंट हुआ, और दूसरे NRC लाने का इस टाइम कोई वो दुख नहीं थी, कोई टाइम नहीं है। जितनी GDP गिरी हुई है, कितने हालात मुल्क के गिर रहे हैं, आप बजाय उसको सही करने के आप ये कर रहे हैं। सारी सड़कें पे अब खाली कोई मुसलमान ही नहीं है इसमें, सब शामिल है। सबको कहिए कि वो सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कितना गलत बताते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, दूसरी ताकतें मिल गई हैं। कौन मिल गया है? हम तो यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, क्या करेंगे आप बताइए? हमें तो खुद प्रोटेस्ट चाहिए, किससे लें? अमित शाह से लें या पुलिस से लें? अमित शाह ने कहा है राज्यसभा में कि देश देश के मुसलमान लिख के दे दे, वो हमें लिख के दे, शाह ने वो लिख के दे हमें, पहले वो मुझे लिख के दे। अमित शाह, आप संविधान से, संविधान 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 देश के नागरिकों को समान जो है प्रोटेक्शन देता है, तो आप अमित शाह से क्या लिखवाना चाहते हैं? प्रोटेक्शन किसने दिया है? प्रोटेक्शन आप देखिए जामिया में, अलीगढ़ में क्या हुआ है, इन लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन, ये किस मुल्क की बात है? ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में ये हरकतें एक पुलिस की। योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं कि जितना भी तोड़ फोड़ हुई है, वो तोड़ फोड़ के सारा मुआवजा जो है वो मकान प्रॉपर्टी को लेकर लिया जाएगा। वो योगी जी किस हक से कहते हैं वाली बात? प्रदर्शन में हिंसा भी अच्छी बात नहीं है ना? यहाँ नहीं, कहाँ कोई जगह हिंसा नहीं है, सिर्फ पुलिस शामिल है हर जगह, वही वहाँ पे हिंसा, हर जगह पुलिस शामिल है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई? यहाँ पे भी हिंसा पुलिस ने शुरू करी, स्टूडेंट्स ने शुरू करी थी, इसी ने छोटे बच्चों को आप इतनी अजियत दे रहे हैं, सारे लोगों को आपकी पुलिस आपके साथ मिली हुई है। आप यह कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो राज्य मतलब BJP के लोगों ने जो है 100% श्योर, बिना उसके नहीं हो सकता, बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता है। आप घरों में जाकर फ्रिज तोड़ रहे हैं, TV तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो है, सब इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, वोट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जब प्रोटेक्शन की बात आती है कहाँ जाते हैं आप सब लोग? सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि इतने दिनों से विरोध चल रहा है, काफी जगहों पे विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार का रुख जो है जस का तस बना हुआ है, और सरकार बोल रही है कि मैं अडिग हूँ, सरकार की तरफ आपको लग रहा है कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी? इतने प्रोटेस्ट में गांधी जी के उसमें क्या हुआ था? झुकी थी ना, वो तो बाहर के लोग थे, ये तो घर वाले लोगों से लड़ाई है, सरकार झुकना ही पड़ेगी। सरकार जनता के लिए होती है, ताना और वो जो कह रहे हैं, वो पहले दिन से पुलिस ये कह रही है यहाँ की कि गोली नहीं चलाई, जो लोगों को लगी है अब कह रहे हैं जांच होगी, नहीं पता ही नहीं मैम, तीन लोगों की और हाथ में गन है पुलिस वालों के, देख लीजिए वीडियो है, अगर जिन्होंने वीडियो, और कह रहे हैं कि सब कुछ स्टूडेंट ने किया, स्टूडेंट के पास तो असला था ना, ये सब करने के लिए प्री प्लान था। जब लाइब्रेरी में पुलिस घुसी है, चलो हम मानते हैं एक दो ऐसे लोग होंगे जो प्रोटेस्ट जो कि पत्थर फेंक रहे थे, बट सर लाइब्रेरी में सब स्टूडेंट तो ऐसे नहीं थे ना कि पत्थर फेंक रहे थे या गोलीबाजी कर रहे थे, उन्होंने सबको क्यों मारा घुस के? सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर उस दिन पुलिस लाठीचार्ज ना करती तो ये जो आंदोलन वो इतना बड़ा ना हो पाता? आप ये बताइए, आप खुद सोच के बताइए मुझे, कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप बताइए, आप लाठी खाएंगे तो फिर क्या पैदा होगा? किसी को लाठी मारेंगे क्या होगा? वो जवाब नहीं देगा, वो लाठी खा ले। मेरा ये सवाल है, जो वहाँ पे बस जलाई गई वो लगभग 3:30 के आसपास हुआ, लाठी चार्ज कितने बजे हुआ? लाठी चार्ज कितने बजे हुआ? 5:30 बजे के बाद। ये कौन लोग थे? स्टूडेंट तो नहीं था ना? स्टूडेंट था ही नहीं भाई, 6 लोग पकड़े गए हैं, उस पर अब तक कोई भी आर्गुमेंट क्यों नहीं हो रहा कि वो लोग कैसे आ गए बताइए, जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, तो कैसे कोई पकड़े गए ये बताइए? आपको यहाँ किसी के हाथ में लाठी दिख रही, कोई पत्थर दिख रहा है? आप देख रहे हैं ना, 6 दिन से कवर कर रहे हैं ना, हमारे हाथ में तो पहले दिन से नहीं था, ये देखिए मेरे हाथ में चोट लगी, लेकिन आप ये देखें किसी ने कुछ नहीं किया, और पुलिस ही कर रही है, पुलिस ही, मैं बता दूँ ये ऑर्डर था कि आप मुसलमानों को स्टूडेंट को इतना मारो कि ये दब जाए,
या उनका बैक फायर हुआ है? अभी तो यहाँ 144 लागू नहीं की गई। कल थी ना? कल थी तो क्या किया पुलिस ने? ले जाती हमें, हम तो आए थे कल भी। कोई भी यहाँ पे वायलेंस हम तो कल भी किया, हमने अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इस बात को सुने। हमें गवर्नमेंट से किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सबके हक में सोचे। बस हमारी इतने ही एक अपील है गवर्नमेंट से कि लॉ बनाए तो सबके लिए बनाए। मोदी जी अच्छे दिन का वादा किया था, ये है अच्छे दिन? ये अच्छे दिन है? आपके मैनिफेस्टो में तो ये भी था कि 15 लाख देंगे, वो कहाँ है? NRC था ना, तो ये भी था, 15 लाख दे दीजिए सबके। NRC में कोई नहीं आएगा, बस बिल्कुल पुअर लोग और गरीब हो गए, एक एक चीज का दाम बढ़ गया। हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन हो गई और ये मुद्दे खड़े करके हमारा दिमाग भटका दिया। ये नहीं होना चाहिए, हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एग्जैक्टली आपका कहना है कि सरकार ऐसे वक्त कम चीजें लाती है, इलेक्शन है, 1.5 महीने बाद इलेक्शन है, कोई भी उनका नेता एक भी नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि वो तो मोदी जी उन्हें पकड़ लेंगे। हम तो बिना नेता के फाइट कर रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं है, हम खुद नेता है। बस इंडिया पीछे होता जा रहा है, हर पब्लिक जो है नेता बनाती है वही गिराती है। कहना इंतजार करिए, अभी जो चक्कर ऊपर है आने वाला है, नीचे आ ही रहा है, स्टार्ट हो ही गया। बॉम्बे से आप कट ही गए, महाराष्ट्र से आप कट गए, झारखंड से भी आप गए। बस आप क्या सोच रहे हैं, यूथ को क्या चाहिए मुझे बताइए? आप तो खुद यंग है, आपको क्या चाहिए? मैं खुद वर्किंग हूँ, क्या चाहिए? आराम से जाना आना, किसी के पास टाइम है इतना? दिल्ली के पास इतना टाइम है? वो हिल गए थे दिल्ली में ये करके, उन्होंने मुसलमान को मजबूर किया कि आ जाओ सड़कों पे, उन्होंने खुद किया है ये उन्होंने खुद किया है। बस वो समझ रहे हैं, जामिया जो है अपनी बात कह रहा है तो फेसबुक पे अगर कह रहा है तो इतनी गंदी गंदी लड़कियों को गालियां मिल रही हैं, इतनी गंदी गलियां गालियां दे रहा है कि बेशर्मी की हद है, हद पार कर रखी है। जामिया को क्या समझ रहा है? जामिया को समझ क्या रखा है? मुसलमान को क्या समझ रखा है? एक हथकंडा, एक हथकंडा, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि आप कपड़ों से जामिया के ऊपर ही कहा था आप कपड़ों से पहचानिए, बहुत अच्छा किया था। हम तो कहते हैं मुझे तिलक लगा के, हम तिलक लगा के चले जाएं तो पहचान लेंगे मोदी जी, मोदी जी पहचान लेंगे हमें। यहाँ पे हमारी यूनिटी है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। हम लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ हम ही नहीं रहते, खाली हम ही नहीं रहते। हम ये नहीं चाहते कि वायलेंस, हम तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारे साथ शामिल है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख। एक बात सुनिए, हमारे साथ है जो जाट आंदोलन हुआ था, कितना नुकसान हुआ बाबा रहीम में, कितना टायर बसे चली, तब तो मोदी जी नहीं जागे, तब तो कोई देश का जो नेता है नहीं जागा। आज मुसलमान के उसमें खुद भी, वो भी खुद ने किया, आपको अच्छे से मालूम है ये सब आपने किया है। उनसे कहिए ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को दिया किसने? इंडिया गेट के एक एक ईंट पे मुझे एक जवाब चाहिए। आजादा है क्या वो हमारे एंसेस्टर लड़ाई आजादा की आजादी की लड़ाई में नहीं शामिल थे? हम सब का खून बहा है, हम सब की जमीन है ये। मेरा तो ये कहना है, एक सवाल है कि मुझे ये जवाब दो, पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? किसने दिया ऑर्डर, किसका फॉलो किया उसने? और कह रहे हैं दूसरी ताकतें, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान अपने मसले देख ले, तुम देखो पाकिस्तान का नाम ले लेके यहाँ पे जीतते चले आ रहे हो। तो पाकिस्तान का ही नाम लेके जीते ये इलेक्शन, कहना ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, कहना आप चले जाओ पाकिस्तान, इतना पसंद है छोड़ दो मुल्क को, आप मुल्क को छोड़िए जाइए पाकिस्तान, उनके साथ फाइट करते रहना, वो आपके साथ करते रहेंगे। मोदी जी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है। जब हम CAE को NRC के साथ में कंबाइन करते तो और ज्यादा डेडली हो जाता। वायलेंस वहीं क्यों होता है जहाँ दिल्ली पुलिस होती है, वहीं क्यों होता है वायलेंस? भाई और बहनों मुझे 50 दिन देनो, अगर डीमोनेटाइजेशन के टाइम अगर वो ना हो तो मैं किसी भी चौराहे पे, क्या वो चौराहे पे आए? इसने बाबरी मस्जिद ले ली, मुसलमान नहीं बोला, कश्मीर वालों पे मुसलमान नहीं बोला, ये हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमें चैन कथन दिवस में चाहिए, अगर मोदी साहब ये रूल लागू करना चाहते हैं तो पहले उनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये रूल लागू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हम किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की जान देंगे, अपनी जान देंगे, लेकिन ये रूल किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।